वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों आइए आज हम लोग बात करते हैं लाइट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं लाइट के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं। कब आपको इजी वो मालूम पड़ेंगे जब आपके टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आइए हम लोग उसी न्यूमेरिकल्स लाइट के जितने भी दर्पण से रिलेटिव न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व करने का एक इजी और एकदम आसान तरीका सीखते हैं। पूरे इस थ्योरी को अगर आप पढ़िएगा तो आपको दर्पण से जितने भी संबंधित न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप चुटकियों में न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, ये मेरी आपको 100% गारंटी है। आइए पहले देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण से गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं 1/f = होता है 1/v + 1/u, जहाँ पे f क्या होती है फोकस दूरी, v क्या होती है प्रतिबिंब की दूरी और u क्या होती है वस्तु की दूरी। और आपके माइंड में ये सेटअप हो जाता है कि कब u नेगेटिव होगा, कब v नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब फोकस दूरी नेगेटिव होगी, कब पॉजिटिव होगी। उसी के लिए एक मैंने यहाँ पर आपको टॉपिक लिखा है चिन्ह परिपाटी, और इसके रूल को आप देखिए। इसके बाद आप देखिएगा न्यूमेरिकल्स करना कितना आसान हो जाएगा और मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। देखिए जैसा कि हमने लिखा है चिन्ह परिपाटी और यहाँ पे नोट नंबर फर्स्ट मैंने लिखा है और यहाँ पे नोट नंबर फर्स्ट में मैंने लिखा है वस्तु की दूरी को u से, प्रतिबिंब की दूरी को v से, फोकस दूरी को f से, वस्तु की लंबाई को o से तथा प्रतिबिंब की दूरी को आई से प्रदर्शित करते हैं, तथा प्रतिबिंब की लंबाई को, सॉरी यहाँ पे लंबाई रहेगा, लंबाई को आई से प्रदर्शित करते हैं, राइट। अब आगे चलिए नोट नंबर टू में देखिएगा, प्रकाश किरण दर्पण पर बाई ओर से आपतित होती है। मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रकाश किरण दर्पण पर बाई ओर से आपतित होती है। और थर्ड नोट में हमारा मुख अक्ष पर समस्त दूरी ध्रुव पी से मापी जाती है। देखिए जब भी प्रकाश किरण होगी, जैसा कि यहाँ पे आप देखिए चिन्ह परिपाटी में, आप जब प्रकाश किरण दर्पण पर डालिएगा तो किस साइड से डालिएगा, बाई साइड से। और जो दर्पण की समस्त दूरियाँ होती हैं वो कहाँ से मेजर की जाती हैं, पोल से मेजर की जाती हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा है फोर्थ पॉइंट कि ध्रुव पी के बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक। अब अगर आप ध्रुव पी से इधर की दूरी जो मेजर करिएगा वो क्या होगी, निगेटिव होगी अर्थात ऋणात्मक होगी। और यहाँ पे मैंने लिखा है बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक तथा दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। और आप पी से, ध्रुव पी से इधर अगर मेजर करिएगा दूरी तो क्या होगी, दूरी धनात्मक होगी। दोस्त आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हमको दर्पण में अगर हम लोग निगेटिव साइन नहीं लगाएंगे तो हमारे न्यूमेरिकल सारे गलत हो जाएंगे। यहाँ पे उसको समझने के लिए हम लोग मिरर के केस में हम लोग निगेटिव साइन को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नोट नंबर 5 में देखिएगा, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक तथा नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। इस पॉइंट को समझिए, अगर आप प्रिंसिपल मुख्य अक्ष के जितने भी आप ऊपर इधर मेजर करिएगा दूरी क्या होगी, धनात्मक, और नीचे की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अगर आप ध्रुव के ऊपर जाएंगे तो कैसे क्या होगा, जो दूरी होगी हमारी धनात्मक होगी, और नीचे अगर मेजर करिएगा तो दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, राइट। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट मैंने नोट नंबर 6 में लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस चीज़ को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और एक बार नहीं मैं आपको 10 बार बोलूँगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही मदद करेंगे। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्यों होती है, आप देखिए अगर ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे देखिए आप एक आपको हम साइन डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहते हैं और आप शायद उस चीज़ों को समझिएगा, हमने रे डायग्राम में सारा चीज़ क्लियर कर दिया है, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, हमारा अवतल दर्पण होता है कि नहीं, और ये हमारा ध्रुव पी होता है पोल। और देखिए अवतल दर्पण में हमने पढ़ा, आपने रे डायग्राम में भी देखा, जब भी हमारा फोकस था वो किधर होता था, बाई साइड होता था ना। और आपने नोट नंबर फोर्थ में पढ़ा था कि जो ध्रुव के बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती हैं क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। अब देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण में हमारा फोकस किधर हो रहा है, बाईं साइड हो रहा है ना,
इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो आपने रे डायग्राम में देखा होगा, शायद मैंने ऐसे उत्तल दर्पण बनाया था और इसकी फोकस किधर होती थी, इधर, और वक्रता केंद्र भी किधर होता था, इस साइड होता था। इसलिए हम बोल सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पीस ध्रुव से दाई ओर की दूरी समस्त दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप समझ सकते हैं, अगर उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो दोस्त उत्तल दर्पण में जो हमारी फोकस दूरी होगी उत्तल दर्पण की, वो हमेशा पॉजिटिव होगी अर्थात धनात्मक होगी, राइट। आइए नोट नंबर हम लोग सेवेंथ की बात करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों होता है। अवतल दर्पण में देखिए फाइव कंडीशन में जो इमेज बनता था वो कैसा बनता था, वास्तविक बनता था, लेकिन एक कंडीशन में हमारा कैसा प्रतिबिंब बनता था, आभासी बनता था। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों होता है, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब केवल आभासी होता है। और उत्तल दर्पण में जैसा कि आपने रे डायग्राम में भी गाइस देखा है कि एक ही कंडीशन में हमारा इमेज बनता था और कैसा बनता था, आभासी होता था, राइट। अगले पॉइंट की बात करते हैं, मैंने एक नया पॉइंट यहां पे आपके सामने ऐड किया है, रेखीय आवर्धन। सुन लीजिए, रेखीय आवर्धन होता क्या है, आई को हम किससे, आई हम क्या डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि मैंने आपको नोट नंबर फर्स्ट में ही बताया था। और भी हमारी प्रतिबिंब की दूरी होती है और यू क्या होती है, वस्तु की दूरी होती है। अगर दर्पण में बात करें, यम इजकल टू, रेखीय आवर्धन को हम लोग यम से डिनोट करते हैं और इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो यम इजकल टू होता आई अपन ओ, अर्थात इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल आपको डिफिनीशन है इसका, और आपके माइंड में आएगा कि सर रेखीय आवर्धन का मात्रक क्या होता है। देखो भाई, रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ ऊपर भी लंबाई है और नीचे भी लंबाई है। जब दो सेम राशियों का अगर अनुपात की बात करें तो वहाँ पे मात्रक उसका नहीं होगा, अर्थात रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होगा, राइट। आइए हम लोग आगे बात करते हैं चिन्ह की। मैं आपको चिन्ह परिपाटी के माध्यम से भी बताया, लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक रामबाण जिसको बोलिएगा आप, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, उस चीज़ को आप लोग देखिए। मैंने एक साइड लिखा है अवतल दर्पण, एक साइड लिखा है उत्तल दर्पण। दोस्त अगर बात करें अवतल दर्पण में तो यू क्या होता है, निगेटिव होता है। दोस्त एक मिनट आप ध्यान लगाइएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी आप ऑब्जेक्ट रखते थे अवतल दर्पण में, वो किधर रखते थे, बाई साइड रखते थे, इस साइड में कहीं रखते थे ना। जब इस साइड में अगर ऑब्जेक्ट रखते थे तो यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट की लंबाई को यू से प्रदर्शित करते हैं, तो यू हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, राइट। अब देखिए, अब जैसा कि आप जानते थे कि अवतल दर्पण में जो फोकस होता था इधर होता था ना, इसलिए अवतल दर्पण में आप चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग बात करेंगे। तो अवतल दर्पण में जो हमारा एफ होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। और दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बात करें अगर वी की, वी क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। तो देखो प्रतिबिंब हमारा अवतल दर्पण में सिक्स टाइप्स के बनते थे, पांच टाइप में हमारे प्रतिबिंब कैसे होते थे, वास्तविक प्रतिबिंब बनते थे, और वास्तविक प्रतिबिंब गाइस हमेशा दर्पण के सामने होते थे और इधर होते थे, नीचे बनते थे, ऐसे बनते थे ना। जब ऐसे अगर आपको अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात करेगा तो वहां पे भी का मान क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। ये अपने माइंड में आप एकदम सेट कर लीजिए, क्योंकि आप चिन्ह परिपाटी में भी देख लीजिए, जब हम इधर चलेंगे तो हमारी दूरियां क्या होगी, निगेटिव होंगी। आप नीचे भी जाएंगे तो आपकी दूरी समस्त क्या होगी, निगेटिव होगी। जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा तो वह दर्पण के सामने होगा और उल्टा होगा, इस कंडीशन में हमारा वी का मान निगेटिव होगा। आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और लिखिए अपने कॉपी में। आइए देखिए हम लोग बात करते हैं वी पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा प्रतिबिंब आभासी होगा
तो उस कंडीशन में हमारा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए आभासी प्रतिबिंब के लिए भी का मान हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप देखे थे रे डायग्राम में कि जो आभासी प्रतिबिंब होता था हमारा वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता था ना, इधर इस साइड बनता था, तो इस साइड की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है ना। इसलिए आभासी प्रतिबिंब के लिए भी का मान क्या होता है, आभासी होता है, निगेटिव पॉजिटिव होता है सॉरी। अगर बात करें हम लोग ओ को, ओ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट देखो हम लोग कैसे रखते थे, इधर ऊपर रखते थे, तो हमने क्या बोला, ध्रुव के जितने भी आप ऊपर चले जाओगे, मुख्य अक्ष के जितने भी ऊपर जाओगे, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं दोस्त, पॉजिटिव इंक्लूड करते हैं ना। जैसे कि आप देखिए, जैसा आप मुख्य अक्ष के ऊपर जा रहे हैं, तो मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी दूरियां मेजर की जाती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। इसलिए अवतल दर्पण में ओ ऑब्जेक्ट की लंबाई क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर बात करें हाइट ऑफ इमेज की, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वी का मान क्या होगा, आई का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि आई किधर बनता है, इमेज इधर बनता है ना। देखिए जब इमेज इधर बनेगा तो आई का मान वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, निगेटिव होगा, ये चीज आप याद रखिएगा। और आभासी प्रतिबिंब किधर बनेगा, इस साइड बनता है दर्पण के पीछे, और इधर बनेगा कहीं, और इधर हमने क्या लिखा है, सारा पॉजिटिव लिखा है। इसलिए आभासी प्रतिबिंब के लिए आई का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। अगर उत्तल दर्पण की बात करें दोस्त, तो उत्तल दर्पण में भी हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा दर्पण के बाईं साइड रखते थे। अब ये हमारा क्या होता था, उत्तल दर्पण होता था कि नहीं, और हमारी फोकस किधर होती है, इधर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, और हमने ऑब्जेक्ट को किधर रखा था, इधर ही रखा था ना। तो दोनों दर्पणों में, चाहे अवतल दर्पण हो जाए चाहे उत्तल दर्पण हो जाए, दोनों दर्पणों में यू का मान क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा, ये आप याद रख लीजिएगा। और बात करें यफ का मान, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि हमारी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किधर होती है, पोल से दाहिने साइड होती है, और आपने यहाँ पे देखा कि पोल के दाहिने साइड की समस्त दूरियाँ धनात्मक ली जाती हैं, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी। आइए बात करते हैं भी का मान। देखिए हमारा उत्तल दर्पण में एक ही कंडीशन में इमेज बनता था, और कैसा बनता था, आपको याद है रे डायग्राम में, आभासी बनता था। इसलिए यहाँ पे भी का मान भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, ओ भी हमारा पॉजिटिव होगा, और आई भी हमारा पॉजिटिव होगा, राइट। ये चीज आप एकदम अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए, और देखिएगा अगर ये चीज आपको क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करिएगा, बहुत आसान आपको लगेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। और दोस्त आपका जो वन डे एग्जाम का लेवल है, वहाँ पे इस टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दर्पण से रिलेटिव, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, और जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका आसानीपूर्वक जवाब दे सकते हैं। आगे आइए हम लोग नोट नंबर 9 की बात करेंगे। देखिए नोट नंबर 9 में हमने लिखा है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन यम का मान ऋणात्मक होता है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा वहां पे हमारा रेखीय आवर्धन यम का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन यम का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। आभासी प्रतिबिंब के लिए हमारा रेखीय आवर्धन यम का मान क्या होगा, धनात्मक, राइट। ये चीज आप समझ लीजिए। आगे देखिए हमने नेक्स्ट आपको नोट जो 10 लिखा है, नोट नंबर 10 में मैं लिखा है यम यफ यम तथा यू में संबंध। आपको अगर आपको न्यूमेरिकल्स में रेखीय आवर्धन का मान दे दे, ऑब्जेक्ट का मान दे दे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का मान दे दे, और आपसे फोकस दूरी पूछे, तो आपको दर्पण सूत्र पे बिल्कुल नहीं जाना है, आपको ये वाला फार्मूला बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आप इसका यूज करिएगा तो आपका न्यूमेरिकल्स बहुत लेंदी हो जाएगा, और आपको शायद कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, और आप गलत कर दीजिएगा। आप डायरेक्ट अगर आपको न्यूमेरिकल्स में क्या देता है, यफ देता है, यू देता है, अगर आपसे यम पूछता है, तो इसके लिए डायरेक्ट आपको फार्मूला है यफ इजकल टू यम यू बटा में यम माइनस वन, राइट। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या है, यफ इजकल टू यम यू बटा में यम माइनस वन। ये हमारा किस में संबंध है, यफ यम तथा यू में संबंध का फार्मूला है। अगर आपको नोट नंबर आप देखिए 11 में, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में यफ यम तथा भी
यफ दिया है, फोकस दूरी दिया है, यम रेखीय आवर्धन दिया है, और प्रतिबिंब की लंबाई दे दिया, प्रतिबिंब की दूरी दे दिया है, ठीक है। और आपसे पूछे कि फोकस दूरी क्या होगा, इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यफ इक्वल टू वी बटा में वन माइनस यम। गाइस इस चीजों को आप एकदम ध्यानपूर्वक अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, जैसे ही हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्त अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई तो एक बार जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और दोस्त और आपको ज़्यादा जानकारी हमारे इंस्टीट्यूट से किसी भी संबंध में आपको एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर एक बार अपना मैसेज अपनी विचार व्यक्त कर सकते हैं। आपको मैं व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8299 8299 31 0097। आप इस पर किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है गाइस। तब तक लिए गाइस थैंक यू सो मच।